राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार दोस्तों, मैं ओंकार चरण, कुछ आप देख रहे हैं प्रिंट टाइम न्यूज सच और कुछ नहीं। आइए आज की ताजा खबरों को नजर डालते हैं, बने रहिए हमारे साथ। सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवनीश शर्मा ने लोकसभा डुमरियागंज के भाजपा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल के लिए जनता से मांगा समर्थन। जनपद सिद्धार्थनगर के बासी नागमेला मैदान में लोकसभा डुमरियागंज भाजपा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल द्वारा चुनावी जनसभा किसान सम्मेलन के रूप किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवनीश शर्मा रहे। किसान सम्मेलन में भाजपा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल एवं पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा उप मुख्यमंत्री का माला पहनाकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात आबकारी मंत्री राजा जयप्रताप द्वारा उप मुख्यमंत्री का अभिवादन करते हुए जनता से पुनः कमल खिलाने की अपील किया। इटवा विधायक डॉ सतीश द्विवेदी ने जनता के सामने कहा, इस बार मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाए तो देश प्रदेश का विकास होगा। वहीं दिनेश शर्मा द्वारा कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा और कहा कि इस हाथ का साथ नहीं देना, क्योंकि इस हाथ ने उल्टा खसूटा भ्रष्टाचार बर्बाद किया, इसलिए इससे बचे। और यह भी कहा कि हमारी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया, किसानों का फसल मुआवजा दिया, किसान सम्मान योजनाओं से सबके खाते 2000 दिया, जबकि किसानों का कहना है आज तक बाढ़ राहत फसल मुआवजा नहीं मिला, किसान सम्मान योजना का भी लाभ नहीं मिल पाया। गठबंधन में सपा बसपा को एक दूसरे के खिलाफ बताया। वही मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने खुद को पप्पू बताया और कांग्रेस के राहुल गांधी को पप्पू को सफल असफल होने पर जवाब नहीं देना चाहा और खुद को पप्पू कहा। इस किसान सम्मेलन में चुनाव प्रभारी डुमरियागंज देवरा राय, इटवा विधायक सतीश द्विवेदी, आबकारी मंत्री राजा जय प्रताप, जिलाध्यक्ष लालजी त्रिपाठी सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता व किसान जनता में। कुछ लोगों की नीति है कि इस प्रदेश को जात में बांटो, धर्म में बांटो और मिलने का एक नाटक करो, तो मुझको लगता है सब मिल जाए और मिलने के बाद अगर इनको और ना मिले तो और 2-4-10 दल मिल जाए, उसके बावजूद बीजेपी जीतेगी और 74 का आंकड़ा पार करेगी। सर आप शिक्षक भी हैं, क्या पप्पू पास होगा बता? नहीं, मैं इस शब्दों का प्रयोग नहीं करता और मैं किसी के लिए शब्दों का प्रयोग पप्पू पास होगा नहीं होगा इस ऐसी भाषा मेरी नहीं है। मेरा खुद का नाम भी पप्पू है तो मैं ऐसी बात का नहीं बोलता। सर मैं इतना कह सकता हूँ कि मोदी जी को फेल करने वाला कोई नहीं है और मोदी जी 100% रिजल्ट निकालने पर विश्वास रखते हैं और मोदी जी अपने कामों के आधार पर लड़ रहे हैं। विपक्ष के पास में विकास का मुद्दा नहीं है, इसलिए विकास हताश निराश होकर अनर्गल शब्दों का प्रयोग कर रहा है। कभी मोदी जी को नीच कहता है, कभी योगी जी को नीच कहता है, कभी मोदी जी को हत्यारा कहता है, कभी मोदी जी को चाय वाला कहता है। पिछले बार कहा था तो उसका परिणाम भुगतना पड़ा, अब की बार योगी जी को कहा है तो मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, जनता जवाब देगी। सर एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कहा कि महागठबंधन की हवा में भाजपा फूट हो जाएगी, इसका क्या कहना है? अब हवा तो लोगों की निकल गई है, अगर किसी में असली में दम होता अकेले किसी पार्टी में तो अकेले वो मुकाबला करने की हिम्मत तो नहीं जुटा पा रहे। आज इन सब में डर है मोदी जी और योगी जी के विकास का, डबल इंजन की जो सरकार ने 2 साल में करके दिखाया उत्तर प्रदेश में, उसका भय इनकी आंखों में दिख रहा है। सब मिलने के बाद भी आज ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में कहीं भी मुकाबला कर पाएंगे। कई सीटें ऐसी हैं जहां इनको प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे हैं, तो आज ये क्या मिलकर मुकाबला करेंगे? मैं समझता हूं कि ये विपरीत विचारधाराओं वाला गठबंधन की गांठ जल्दी खुलेगी और भारतीय जनता पार्टी पिछले बार से ज़्यादा बहुमत से जीत कर आएगी। सर DGP साहब का भी ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा है कि बड़े नेताओं पर स्नाइपर हमला हो सकता है। देखिए सुरक्षा के प्रति हमारी सेनाएं, सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क हैं और मैं इतना कह सकता हूं कि सुरक्षा बलों का जो मनोबल गिराने की बातें जो विपक्ष के लोग कर रहे हैं कि राष्ट्रों की धारा हटा दो, सुरक्षा बल को हटा दो, ये निश्चित रूप में उससे उनको बचना चाहिए। आप किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? भाजपा में क्या है? अच्छा, क्या आप तकलीफ क्या है? तकलीफ है कि हमको कुछ भी मिल नहीं रहा है सरकार की तरफ से। नहीं, सरकार की तरफ से क्या भी नहीं मिल पाया। आज आप लोग चौराहे पे इकट्ठा है, सैकड़ों लोग, क्या मामला है, क्यों हम लोग इकट्ठा? इसलिए एक बार रात हम लोगों को मिल नहीं रहा, अगर मिल भी रहा है तो उसमें 1000 आ रहा, 1200 आ रहा,
पैसा पूरा नहीं दे रहे। अच्छा, आप बाढ़ वाला पैसा कितना दिन हो गया बाढ़ को आए? दो चार लोगों का आया है, उनका पैसा नहीं पूरा है। नहीं, बाढ़ आए कितना दिन हो गया, आप सबको मुआवजा नहीं मिला? अच्छा, पिछले दो साल से बाढ़ जितनी बार आए नुकसान किया आप लोगों का, और उसका मुआवजा सरकार नहीं दे पा रही? कुछ लोगों को मिला कि नहीं? कुछ लोगों को मिला। तो अगर मान लीजिए आप मुआवजा नहीं दे रहे, आप सरकार को क्या मानते हैं? अच्छा कर रही है आप सबके साथ? अच्छा कर रही है सरकार, सरकार अच्छा कर रही, कर्मचारी अच्छा नहीं, अच्छा कुछ नहीं कर रही। क्यों नहीं? सरकार अच्छा कर रही, कर्मचारी नहीं अच्छा कर रही है। कर्मचारी जो अधीनस्थ अधिकारी होने का काम करता है। अच्छा, इसका जिम्मेदार अधिकारी मानते हैं? मंत्री जी से कह दिए दो तीन बार, तो भी नहीं वो कुछ ध्यान दिए।